और इसी तरह हम आ पहुँचे शेख जायद रोड पे, जो कि बड़ा मशहूर है इन बिल्डिंग्स की वजह से, और हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। मेट्रो की जानिब से आने के बाद आपको ये दिखाई देता है, और यहाँ पर जाने के बाद अंदर मज़े यस, कोई डाउट नहीं। इसलिए तो दोनों यहाँ लिखे द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ। तो अभी चल के देखेंगे ना कि आगे क्या है क्या नहीं। What do you think about it? सबसे किराक बिल्डिंग है, किराक। अंदर जाके धीरे बाहर आ जाना धीरे। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में एंटर होने के बाद का कुछ मंजर इस तरह से होता है। अब बहुत रश है, लिटरली बारी का वेट करना पड़ेगा। As you can see here, एक एंट्रेंस नीचे से है एक ऊपर से, तो हम ऊपर वाले एंट्रेंस से आए हैं। सर अलबत्ता टिकट लेने के बाद आपको हेड बैंड दे दिया जाता है, जो कि RFID होता है इसमें, ताकि आपको हर जगह एक्सेस मिल सके इसकी, जो आपकी टिकट में मौजूद होगी। उसके बाद आप जाके लंबी चौड़ी लाइन में लगते हैं, देखते हैं क्या है आगे। और यस, इट्स फ्लोटिंग विदाउट एनी सपोर्ट एंड इट इज़ अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। यहाँ से जाएंगे ऊपर, I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home, 2071. The launch is about to start. Follow me. Let's go. अभी यहाँ से अंदर जाएंगे। Into the galaxy. ये हमारे रॉकेट के ऊपर का हिस्सा है। ये है स्पेस पोर्ट, जो कि 2071 तक उनका इरादा है कंप्लीट करने का, ताकि दुबई से इमारात से सीधा अपने पोर्ट पे जाया जा सके और रिसर्च वगैरह सब कुछ किया जाएगा वहाँ पे। उसके बारे में मज़ीद डिटेल्स बताते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं। बट इट्स लाइक 3D प्रिंटेड, द बिल्डिंग इज़ 3D प्रिंटेड, यानी कि स्पेस में इसी तरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ। जैसे आगे बढ़ेंगे हमें इस तरह का कुछ माहौल दिखेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ सिमुलेटर्स लगाए हैं, जिसमें आप डिफरेंट प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अर्थ पे जाता हूँ, अर्थ पे जाने के बाद आप उसकी यानी कि मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं कि कहाँ पे सैटेलाइट्स होगी, क्या उसका सोलर सिस्टम होगा, क्या क्या होगा, कैसे होगा, सब उन्होंने एक डिटेल में बताया है यहाँ पर, चेक करें तो उसके सैटेलाइट्स के नाम, हर चीज़ का नाम उन्होंने बहुत बारीकी से मेंशन किया है यहाँ पे। तो इट्स काइंड ऑफ अ गुड थिंग। अदर देन दैट उन्होंने इस तरह सोलर सिस्टम का बनाया हुआ है, आप इस तरह देख सकते हैं सोलर सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। और ये एक 3D टाइप का उन्होंने बनाया कि एक्सपैंड होगा एंड एवरीथिंग। ये सिर्फ लाइट इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है, जो कि बहुत ही लाजवाब और उमदा चीज़ बनाई है उन्होंने। एक होलोग्राफिकल कंसेप्ट है कि अगर पेट्स होंगे तो किस तरह के उनके सूट्स होंगे, या मास्क होंगे, या इक्विपमेंट्स होंगे। हर चीज़ का उन्होंने एक तरीका बनाया है कि एक कंसेप्ट दिया है कि आप यानी कि स्पेस में किस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। अदर देन दैट हमारे पास एक फ्यूचरिस्टिक मास्क आ जाता है, जैसे कि आपने रेडी प्लेयर वन गेम में भी देखा होगा, या बहुत सारी कोरियन मूवीज़ में भी आया, इस तरह का मास्क पहनते हैं और स्पेस में जाते हैं। और नाइस, और ये फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास मेटेराइट फ्रैगमेंट, इट इज़ करंटली अंडर एनालिसिस, स्पेस से आया था तो इसको चेक किया जा रहा है। ये
और ये स्पेस में यानी कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह इस तरह से मिला करेगी। उसका है ये बच्चों का एक कॉन्सेप्ट सूट है, और इसके अलावा ये जो है ना पॉलिनेट प्लांट्स इन एनवायरनमेंट जिसपे कीड़े मकोड़े असर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चिप्स वगैरह की मदद से बनाया गया है, और ये स्पेस शटल की शील्ड, अगर मेटियोराइट या कोई स्पेस का पत्थर इस पर लगेगा तो इस तरह का घाव हो जाएगा, लेकिन इसको पार नहीं करेगा। इट्स काइंड ऑफ सॉलिड थिंग, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ये वाटर स्नैक्स जो स्पेस में खाया पिया जाता है, और फिलहाल यहाँ पर यही था, आगे देखते हैं मज़ीद। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचरिस्टिक कुछ इस तरह का माहौल दिखेगा। इट्स नाइस। तो इनका है कि आप दुबई वापस जा रहे हो। ये है चैप्टर 2 दाहिल। दिस इज द फॉरेस्ट। आगे के मंजर कुछ यूं है। ओह माय गॉड, उन्होंने ना कैप्सूल्स बनाए हुए हैं जिसमें कि पौधे जानवर इंसान को प्रिजर्व किया गया है। एक किस्म का एक कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है, जो कि विच इज़ काइंड ऑफ अमेजिंग कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की है और मेंटेन की है। इट इज़ लाइक नो वर्ड्स फॉर दिस वन, दिस वन इज़ द बेस्ट थिंग हियर राइट नाउ। मेड ऑफ ग्लास, सॉलिड ग्लास, कैनॉट मूव इट। बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है। सारे पौधे दिखाए गए। ये ना पौधे वगैरह लाते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन चलाया जाता है, जिसमें ये होता है कि ना जब वो एक टाइम फिनिश हो जाएगा, दैट मीन्स के पौधा अपनी मेच्योरिटी या फुल एज पे या फुल कैपेसिटी पे आ गया है, तो उसको वापस नेचर में छोड़ दिया जाता है। तो इसका ये मकसद है, और इस पर रिसर्च चल रही है टोटल, आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ रियल है यहाँ पर इस टाइम, यानी कि उनका मकसद ये है एक्सपेरिमेंट करने का, कि कल को अगर स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तो हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो चैम्बर में ही उनके एक्सपेरिमेंट्स करके अभी देख रहे हैं। वहाँ से निकलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 की जान, अलवाहा। अलवाहा क्या है, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग, आप भी देखें, हम भी देखें, एंजॉय करते हैं। हमें करनी है यहाँ पे कनेक्ट होगा, अपने कनेक्शन बनाएगा। इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज भी हैं, वाइब्रेशन फील करने की या फिर साउंड वेव्स फील करने की, वो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था लिटरली, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अब जैसे जैसे पाँव रखोगे वेव्स रेत व्हाट्स एवर सामने से हटता जाएगा। मज़ीद ऊपर से नीचे आने के बाद हम आ जाते हैं टुमारो टू डे में। टुमारो टू डे में इन्होंने ना कुछ फ्यूचरिस्टिक थिंग्स रखी हैं, जो कि उन्होंने खुद बनाई है और जो कि काम भी कर रही हैं फुल टाइम, और फ्यूचर में मज़ीद काम करेंगी, तो आपको भी दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं। ये एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टेक्निक से स्पेस में घर बनाएंगे। और यहाँ पे एक ऑडी की फ्यूचरिस्टिक ऑटोनमस व्हीकल है, जो कि बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है, देख सकते हैं। अभी टायरों की टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हुई, सेम चल रहे हैं जैसे आजकल चल रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे ना आप,
स्टेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है और ये ऑटो ड्राइव करेगी। आई डोंट नो, चलते हुए देखा नहीं मैंने, बट उनका कहने का मकसद यही है। इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि फ्यूचरिस्टिक साइकिल जो मोटर की मदद से चलेगी या किस तरह से, आई डोंट नो, बट ये आ चुकी है वैसे और चल भी रही है दुनिया में आजकल। और टैक्सीज कुछ इस तरह की वो करेंगी मज़ीद, मूवीज़ में देखा होगा आपने। इसी तरह का फायर फाइटिंग वगैरह ड्रोन ये है, डिलीवरी ड्रोन वो है, और पिछले दिनों काफ़ी वीडियोज़ भी वायरल हो रही होंगी और आपने भी देखा होगा इस तरह का बंदा जेट सूट पहन के उड़ता है और पहुँचता है जगह से जगह, पिज़्ज़ा भी डिलीवर करता है। सो ये वही टेक्नोलॉजी दिखाई गई है यहाँ पर ना। रोबोटिक हैंड, रोबोटिक आंट, रोबोटिक डॉग, रिमोट कंट्रोल फैल्कन, और वो एक नीचे वो रोबोट भी है जो कि प्लांट को खुद सूरज की तरफ लेके जाता है ताकि उसको। यहाँ पे टेस्ला सूट का दिखाया गया है। टेस्ला सूट क्या होता है, गूगल करें आपको पता चल जाएगा, ये है टेस्ला सूट। और ये है एक सूट जिसमें कि आपको सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट लेके आप अपना काम शाम कर सकते हैं व्हाट्स एवर, ये सपोर्ट है। और वो जो नीचे जैकेट दिख रही है वो 60% बैक्टीरिया वायरसेस को इग्नोर करते हैं, नहीं आने देते अपने पास। और यहाँ पे एक एनिमेशन उन्होंने लगाया है जो कि आपके फेस इंप्रेशन वगैरह डिटेक्ट करके बताता है कि आप पे किस चीज़ का प्रेशर या किस चीज़ की कमी या ज़्यादा है व्हाट्स एवर। तो ये है कुछ बाहर का मंजर। इसी के साथ है हमारा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई का हुआ ट्रिप फिनिश। ठीक है, अभी आगे चलते हैं।